नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभा की पहचान बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की। सदस्य देशों से जल साझा करने के से जुड़े मुद्दों का मिलजुल कर समाधान तलाशने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते जन भागीदारी पर बल दिया। सरकार खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला रात्रि अभयाकाश स्थापित करेगी। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए। डूरन कप फुटबॉल में आर्मी रेड ने हैदराबाद को 1-0 से हराया। एशिया कप क्रिकेट के सुपर फोर स्टेज में कल दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। शारजाह में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मैच जारी। और अमरीकी ओपन टेनिस में डेनियल मेदवेदेव और निक किर्गियोज पुरुष सिंगल्स के चौथे राउंड में पहुंचे। महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स टूर्नामेंट से हारकर बाहर। समाचार संध्या में विमलेंदु पांडे के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभा की पहचान बनाई है। संस्थान के हीरक जयंती समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने देश के गौरव को बढ़ाया है और देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। All the teachers, students and administrators, past and present, deserve rich tributes for raising the bar of educational excellence. Their contribution was duly recognized in 2018 when the government named it as an institution of eminence. The Indian Institutes of Technology have been the pride of the nation. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आईआईटी के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विश्व को भारत की मेधा शक्ति से परिचित कराया है। विश्व में डिजिटल क्रांति में भारतीय अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संस्थान की प्रगति के लिए महिलाओं ने भी कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। I am glad to see so many young women here today. Female students at the IIT Delhi have done wonderful well. Their success motivates more and more girls to consider a career in STEM and break a few more glass ceiling. In making India Atmanirbhar, the contribution of its young women is going to be most critical. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने समाज में संवेदनशील और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। कोविड महामारी के दौरान संस्थान ने सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराया है। उन्होंने संस्थानों से भविष्य के लिए तैयार रहने को कहा। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि जलवायु संकट के दौर में अधिक जनसंख्या वाले देश भारत को तेज विकास के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर ध्यान देना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की प्रगति में बदलाव आया है और इनकी बैठकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी का दक्षिण भारत से विशेष लगाव है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तटीय राज्यों के विकास के लिए प्रमुख बंदरगाहों के उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल केरल के तट से स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण कर इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। कल भारत के रक्षा इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही केरल के सागर किनारे से भारत में नवनिर्मित संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को चरितार्थ करने वाला हमारा विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया और हमारी नौसेना को गुलामी की सभी निशानियों को पीछे छोड़कर अपनी वैभवशाली संस्कृति पर गर्व करने वाला
शिवाजी महाराज के राज चिन्ह से संस्कारित एक नया निशान भी मोदी जी ने नौसेना को देने का काम किया है। श्री शाह ने आज तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 26 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 9 मुद्दों का समाधान कर लिया गया और 17 मुद्दों पर आगे विचार करने का निर्णय किया गया, जिनमें से 9 मुद्दे आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित हैं। गृहमंत्री ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अपने लंबित मुद्दों को पारस्परिक रूप से हल करने का आग्रह किया। श्री शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के सभी राज्यों से पानी के बंटवारे से संबंधित मुद्दों का मिलजुल कर समाधान करने का आह्वान किया। केरल के मुख्यमंत्री और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष पिनाराई विजयन ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह सभी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों को सुचारू बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनमानस से दूर हो रही है और कम्युनिस्ट पार्टी भी समाप्त होने के कगार पर है। श्री अमित शाह ने कहा कि केरल में केवल भाजपा का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने राज्य में पार्टी के नेताओं की राष्ट्रभक्ति और बहादुरी की प्रशंसा की। केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी आज लुंगलेई जिले पहुंची और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कई योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सुश्री ईरानी मिजोरम के 2 दिन के दौरे पर हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि विकास योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए शिविर आयोजित करने, जन शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने और नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। बैठक में अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी कई परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इसके बाद सुश्री ईरानी ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के साथ भी बैठक की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को अंगदान में प्रोत्साहन में जनभागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल सरकार या गैर सरकारी संगठन लोगों को अंगदान के लिए तैयार नहीं कर सकते। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद की उपस्थिति में स्वस्थ सबल भारत संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारत में अंग और नेत्र दान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना और चुनौतियों का समाधान खोजना था। उन्होंने कहा कि अंगदान का मुद्दा देश की साझी समृद्धि की परंपरा से जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना को केंद्रीय कोष से उसका उचित हिस्सा मिल रहा है। उन्होंने तेलंगाना को उसका हिस्सा नहीं मिलने के राज्य के मंत्रियों के आरोपों को खारिज कर दिया। हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि डिजिटीकरण के बाद दोष मुक्त व्यवस्था लागू हो गई है और उसे कोई भी बदल नहीं सकता और न ही इससे छेड़छाड़ कर सकता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका ध्यान रखा जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कुछ सवालों के जवाब में विश्वास व्यक्त किया कि सकल घरेलू उत्पाद में और वृद्धि होगी क्योंकि देश कोविड के प्रभाव से बाहर आ गया है। उन्होंने कहा कि कई देशों में मंदी की उच्च दर होने के बावजूद देश में मंदी की कोई संभावना नहीं है। केंद्र सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग लद्दाख में रात्रि अभयाकाश की नई योजना शुरू करने जा रहा है। ये परियोजना अगले 3 महीने में पूरी हो जाएगी। प्रस्तावित अभयाकाश लद्दाख के हानले में बनाया जाएगा और ये चुंगथांग अभयारण्य का हिस्सा होगा। इससे भारत में खगोलीय पर्यटन बढ़ेगा। ये क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों में से है। इन इलाकों में प्रकाशीय इंफ्रारेड और गामा दूरबीन से नक्षत्रों को देखने में रोमांच का अनुभव होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रात्रि अभयाकाश के लिए लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त शासी पर्वतीय परिषद और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से स्थानीय पर्यटन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लद्दाख प्रशासन ने लेह में बेरी के पौधों के वाणिज्यिक उत्पादन का भी फैसला किया है। इससे लेह की ठंडी जलवायु में पैदा होने वाली बेरी के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इन 5 विधायकों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया। प्रदेश में अब जनता दल यूनाइटेड के मोहम्मद अब्दुल नासिर एकमात्र विधायक बचे हैं। विधायकों ने बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद यह कदम उठाया है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में पार्टी के 5 विधायकों के दल बदलकर भाजपा में शामिल होने को संविधान की भावना के विपरीत बताया। श्री नीतीश कुमार ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए सभी विपक्षी दलों से 2024 के आम चुनाव में एकजुट होने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में एक मौलवी की गिरफ्तारी से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उसे गिरफ्तार कर सुरक्षा बलों पर किए जाने वाले एक बड़े हमले को टाल दिया गया है। किश्तवाड़ जिले से गिरफ्तार किया गया अब्दुल वाहिद नाम का ये मौलवी सुरक्षा बलों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी आतंकवादियों को देता था। वो एक छोटे आतंकी संगठन कश्मीर जनबाज फोर्स की भी सहायता करता था। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान से संचालित किया जाता है, जिसे वो सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता था। मौलवी अब्दुल वाहिद के खिलाफ कार्रवाई सैन्य खुफिया और विशेष जांच एजेंसी ने की। पश्चिम बंगाल के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने महाराष्ट्र के आतंकरोधी दस्ते की मदद से एक संदिग्ध कट्टरपंथी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने बताया कि सद्दाम हुसैन खान को प्रतिबंधित जिहादी आतंकी गुट के साथ नियमित संपर्क और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में मुंबई के निर्मल नगर से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर थाना क्षेत्र से एक अन्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। असम के 7 जिलों में उग्रवादी गतिविधियों के सिलसिले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने छापे मारे हैं। कामरूप, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सादिया, सरायदेव और शिवसागर जिलों के 16 स्थानों पर छापेमारी की गई है। उग्रवादी संगठन उल्फा में युवाओं की भर्ती, धन उगाही और कट्टरता तथा राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के संबंध में ये कार्रवाई की गई। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसी की कार्रवाई में डिजिटल उपकरण, गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के मतवाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभा की पहचान बनाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की। सदस्य राज्यों से जल साझा करने से जुड़े मुद्दों का मिलजुल कर समाधान तलाशने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते जनभागीदारी पर बल दिया। सरकार खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला रात्रि अभयाकाश स्थापित करेगी। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए। डूरंड कप फुटबॉल में आर्मी रेड ने हैदराबाद को 1-0 से हराया। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 स्टेज में कल दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।
शारजाह में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मैच जारी। और अमरीकी ओपन टेनिस में डेनियल मेदवेदेव और निक किर्गियोज पुरुष सिंगल्स के चौथे राउंड में पहुंचे। महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स टूर्नामेंट से हारकर बाहर। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। हर रविवार रात 9:30 FM गोल्ड पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं ekadamaur@gmail.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल करने को देश के लिए ऐतिहासिक बताया है। आज ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत पर सवार होने पर उन्हें जो गर्व हुआ उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंध है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल करने से भारत उन चुने हुए देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास विमान वाहक पोत बनाने की विशिष्ट क्षमता है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। ट्वीट संदेश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान दर्शाते हैं कि भारत इस वर्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वार्षिक आधार पर ब्रिटेन से आगे निकल गया है। इन अनुमानों के आधार पर अमरीका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत पांचवें स्थान पर है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था जबकि ब्रिटेन पांचवें स्थान पर था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के मंत्र से सफलता का इतिहास लिख रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के कैनेडीय अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए रॉकेट प्रक्षेपण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मानव रहित इस अंतरिक्ष अभियान में तकनीकी समस्या के कारण रॉकेट का प्रक्षेपण सोमवार को नहीं हो सका था। अब इसका प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केप कैनेवरल से आज किया जाएगा। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपोलो चंद्रमा मिशन के 50 वर्ष बाद चंद्रमा से मंगल ग्रह तक की ये महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियान आर्टिमिस शुरू कर रहा है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष को सरकार द्वारा आधिकारिक आवास और सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। श्रीलंका के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। आर्थिक संकट से नाराज प्रदर्शनकारियों के उनके आधिकारिक आवास और कार्यालय पर धावा बोलने के बाद श्री राजपक्ष 13 जुलाई को किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर की यात्रा की और वहां से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। श्रीलंका लौटने पर उन्होंने हवाई अड्डे पर सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों और सांसदों के एक समूह से मुलाकात की। सुरक्षा कारणों से उन्हें अपने आवास से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सरकार ने कहा है कि इस साल देश का कुल निर्यात 750 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। पिछले साल ये 676 अरब डॉलर था। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल माल निर्यात 450 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है जबकि सेवा क्षेत्र में निर्यात 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को शिशु
के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने पर 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कल इस बारे में आदेश जारी किया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु होने पर महिला को मानसिक आघात पहुंचने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि सभी पात्र लोग कोरोना टीके के एहतियाती खुराक ले लें। श्री पांडेय ने भाजपा की संसद प्रवास योजना के अंतर्गत तेलंगाना के महबूब नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बताया कि 23% से अधिक लोगों ने एहतियाती खुराक ले ली है। इस जिले में सभी लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 25,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश में 7,219 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 56,745 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। कल 9,600 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को मुंबई के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गणेशोत्सव में बप्पा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री अमित शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार के आवास पर गणेश उत्सव में शामिल होंगे। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला पेश करते हुए आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए 1991 से 1999 के दौरान भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों की जानकारी लाए हैं। उन्नीस सौ इक्यानवे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी इसी वर्ष मरणोपरांत इससे सम्मानित किया गया। 1992 में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष फिल्म निर्माण की आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर से सम्मानित सत्यजीत रे को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। प्रसिद्ध उद्योगपति जेआरडी टाटा को भी ये सम्मान प्रदान किया गया। I think that from a technological point of view, management point of view, Indian industry, at least big industry today, is a very different animal to what it was when I first became a director of Tata's. There is a quality consciousness that didn't exist in the old days. We mustn't forget that it's not so long ago, perhaps 100 years ago, when nobody would touch a Japanese product. Now they are the leaders, perhaps in most products, largely on the basis of quality. So, first of all, there is a big change. 1997 में पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। इसी वर्ष महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी ये सम्मान प्रदान किया गया। French education is a lifelong learning, particularly containing three components, according to me. Number one, learning to learn. Number two, learning to live. After all, why do you learn? Learning to live. Third one, learning to survive. In difficulties, we have to survive also. So education should give us learning to learn, learning to live, and learning to survive. 1997 में ही स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में कर्नाटक संगीत की जानी मानी हस्ती एमएस सुब्बुलक्ष्मी और स्वाधीनता सेनानी और पूर्व कृषि मंत्री चिदंबरम सुब्रमण्यम को ये सम्मान प्रदान किया गया। 1999 में स्वाधीनता सेनानी और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी लोक नायक जयप्रकाश नारायण, नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमृत सेन, स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई और जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न प्रदान किया गया।
शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कल की कड़ी में हम आपके लिए 2001 से अब तक भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों की जानकारी लेकर आएंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। डूरंड का फुटबॉल टूर्नामेंट में इम्फाल में आर्मी रेड ने हैदराबाद को 1-0 से हरा दिया है। आर्मी रेड की ओर से सुरेश ने एकमात्र गोल किया। ग्रुप सी में आर्मी रेड 4 मैचों में 1 जीत के साथ दूसरे, जबकि हैदराबाद 3 जीत के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। आज ही एक अन्य मैच में कोलकाता में ईस्ट बंगाल ने मुंबई सिटी को 4-3 से हरा दिया। ग्रुप बी में मुंबई सिटी 4 मैचों में 2 जीत के साथ पहले, जबकि ईस्ट बंगाल 1 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शारजाह में ग्रुप बी में सुपर 4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका के साथ खेलते हुए अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 1 विकेट पर 76 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ग्रुप ए में कल दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के चौथे दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होगा। मेदवेदेव ने चीन के यू वेबिंग और किर्गियोस ने अमरीका के जे वोल्फ को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में अमरीका की सेरेना विलियम्स तीसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। सेरेना को ऑस्ट्रेलिया की एजेला तोमलोजोनोविच ने पराजित किया। गृहमंत्री अमित शाह कल गुजरात में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर और गीत का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। इस बार राष्ट्रीय खेलों की थीम है खेलों के जरिए राष्ट्रीय एकता। लेह शहर में माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। लद्दाख प्रशासन और साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कल लद्दाख पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ये प्रतियोगिता दुनिया भर के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाली 10 पेशेवर दौड़ श्रृंखला का हिस्सा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभा की पहचान बनाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की। सदस्य राज्यों से जल साझा करने से जुड़े मुद्दों का मिलजुल कर समाधान तलाशने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते जन भागीदारी पर बल दिया। सरकार खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में क्षेत्र का पहला रात्रि अभयाकाश स्थापित करेगी। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए। डूरंड कप फुटबॉल में आर्मी रेड ने हैदराबाद को 1-0 से पराजित किया। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 स्टेज में कल दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। शारजाह में
श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मैच जारी है। और अमरीकी ओपन टेनिस में डेनियल मेदवेदेव और निक किर्गियोज पुरुष सिंगल्स के चौथे राउंड में पहुंचे, महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स टूर्नामेंट से हारकर बाहर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।